और बार परमेश्वर के संगति में मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग परमेश्वर के वचन से कलीसिया के बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो कलीसिया का नामीकरण के हिसाब से एक उदाहरण बताया गया, खेत। परमेश्वर की कलीसिया को खेत के एक उदाहरण के रीति से लिखा लिखा गया है, उस चीज़ के बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो हम उसी खेती के बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो कि पिछले दिन हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार 21वां अध्याय में से हम लोग देखे कि एक खेत के बारे में वहाँ लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो वो इसराइलियों के बारे में बताया गया है, उसकी 21वां अध्याय उसकी 33 में बताया गया कि परमेश्वर एक खेत को बनाए, उस खेत में एक काम काम करने वाले व्यक्ति को भी क्या कर दिए, रख दिए। उस खेत को इसराइलियों के परिचय दिया जाता है, और इसराइलियों के लिए क्या किया गया, परमेश्वर ने तीन रीति का सहायक मन भेजा। एक मूसा की व्यवस्था दिया गई, दूसरा भविष्य वक्ताओं का सेवकाई दिया गया, तीसरा यीशु मसीह की भी सेवकाई भी वो लोग अनुभव किए। मगर तीनों को भी वो लोग क्या किए, कत्ल कर डाल दिए। नहीं तो तीनों को भी वो लोग क्या कर दिए, परमेश्वर से अधिक वो लोग क्या करना शुरू किए, आश्रयवान होना शुरू किए। उसके कारण परमेश्वर उनके ऊपर क्या लाए, उग्रता, पनिशमेंट। हेलो, इसीलिए यीशु तो परमेश्वर क्या किए, इसराइलियों को छोड़कर अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना शुरू किए। इसीलिए कलीसिया के अंदर आज यहूदी नहीं, यूनानी नहीं, ग्रीक नहीं, सभी एक हिस्से के समान मिल आने वाला एक जगह बन गया कलीसिया। एदन के वाटिका में एक पेड़ नहीं, बहुत सारे पेड़ थे। एदन के वाटिका में बहुत सारे सीड ग्रो सीड देने वाले प्लांट्स थे, बहुत सारे प्लांटेशन थे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के। तो वो तत्वों को परमेश्वर क्या कर दिए, नया नियम का कलीसिया को लेके आए। इसलिए नया नियम के कलीसिया के खेत में हर प्रकार के सीड ग्रोइंग प्लांट्स होना जरूरी है। आजकल बहुत सारे कलीसिया आ गए, काली ब्लैक वालों के लिए कलीसिया, गोरों के लिए कलीसिया, पेंटिकॉस्ट वालों की कलीसिया, बैप्टिस्ट वालों की कलीसिया। नो, डिनोमिनेशनल चर्च नहीं है। बैप्टिज्म एक एक्सपीरियंस है, पेंटिकॉस्टलिज्म एक एक्सपीरियंस है। वो मेरे साथ प्रोटेस्टेंटिज्म एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव। उस अनुभव के नाम से नहीं कलीसिया जाना जाता, समझ रहे हो? एक एक्सपीरियंस से कलीसिया नहीं पता चलता। हेलो, एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस कभी भी किसको पता नहीं चलेगा, किसी को हम वर्णन नहीं कर सकते। उदाहरण, एक व्यक्ति दारू पिया है, उसका एक्सपीरियंस क्या है वो व्यक्ति कभी भी बोल नहीं सकता, क्योंकि वो उसका खुद का परसेप्शन है। ऐसा है कलीसिया का भी। इसलिए लोग उसको क्या कर दिए, अनेक डिनोमिनेशन में नामीकरण में उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, वो है ही नहीं। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, परमेश्वर की कलीसिया क्या है, एक खेत के समान है। एक खेत में जैसे डिफरेंट वैरायटी का प्लांटेशन हो सकता है, वो प्लांटेशन करने वाला का बुद्धि सामर्थ्य के हिसाब से होता है। मैं बॉम्बे गया था एक बार, मुझे याद है, मैंने वहां एक अद्भुत चीज को देखा। क्या जानते हैं, वहां पे जमीन कम है मगर खेती ज्यादा। एक आदमी का कितना, मुझे लगता है 1800 स्क्वायर फीट का जमीन। उस जमीन के अंदर वो 12 वेराइटीज के वेजिटेबल्स उगवाया है, 12 वेराइटीज के। उसने क्या कर दिया जानते हो ना, 3 फुट का 3 फुट का 3 फुट का गैप में वो क्या कर दिया, एक लेयर बना दिया, 3 फुट 3 फीट 3 फीट, टोटल 9 फीट्स। लेयर मतलब हमारा रैक है ना, रैक,
बुक्स रखने वाला रैक वैसे उसको बना के रख दिया आर्टिफिशियली। और इसका सिस्टम क्या है जानते हो ना, ऊपर से पानी नीचे तक आएगा, कोई डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मोटर फिक्स्ड है। और इसको ये कंप्लीटली ढक के रख दिया है। तो मैं सोचा ये व्यक्ति क्या कर रहा है ये, तो मैं उसका परीक्षा लेने के लिए जाके देखा। तो मेरे को पता क्या चल रहा है, एक 1800 स्क्वायर फीट के जमीन में वो 12-13 वेराइटी का वेजिटेबल्स निकाल रहा है। जितना उसका परिश्रम उसका उसना उसका आमदनी, जितना वो परिश्रम कर रहा है उसका उसका फल वो भोग रहा है। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, अच्छे फार्मर्स, अच्छे काम करने वाले लोग अगर होंगे तो क्या होगा, समृद्धि का फल प्लांटेशन में दिखा सकता है। इसलिए यीशु मसीह एक उदाहरण बोल रहे हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय 1वां वचन, पंद्रह का एक, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। अच्छी दाखलत का मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। देखो द्राक्षलता, यहां पे भी एक खेत के बारे में बताया गया है। किसकी, किस चीज की? ग्रेप्स का खेती। हेलो, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, कभी देखे हो ग्रेप्स का प्लांटेशन? कभी गए हो कहीं? कभी जाना है? इसको ये लोग कैसे बनाते जानते हो ना, ग्रेप्स के प्लांटेशन को ये लोग कैसे बनाते हैं, मतलब हमारा उसको क्या बोलते हैं, ओपन एयर मीटिंग देखे हो, कैंप मीटिंग देखे हो, ओपन एयर मीटिंग देखे हो, ताकि ऊपर ऊपरी हिस्सा खाली रहेगा। कैंप मीटिंग में क्या जाएगा रहेगा जानते हो ना, ठीक है, सर्कस देखे हो, सर्कस वो क्या खंभों के अंदर ही वो सब कुछ सेट है ना, वैसा ही रहेगा ये द्राक्षलता की प्लांटेशन भी, ये सेम एक कैंप के समान पोल्स लगे रहेंगे, पोल्स को कनेक्टेड होगा, उसके ऊपर ये प्लांटेशन क्या करेगा, पूरी तरीके से ढका रहेगा। देखने से, दूर से देखने से हमें एक कैंप जैसे लगेगा, नहीं तो एक घर जैसा लगेगा। तो इसमें क्या जानते हैं ना, अगर फल उग के आता है ना, ऑटोमेटिक ये ऊपर से नीचे आएगा, एक व्यक्ति उसके नीचे आकर बैठेगा ना, कहां कहां फल है दिखाई देगा, क्योंकि वो ऐसा है। और ऐसा नेट होके रहने के कारण, इस नेट से क्या होगा जानते हैं ना, भारी होने के कारण ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तब जो प्लांटेशन कर रहा है उसको दिखाई देगा कहां कहां ग्रेप्स उगे हैं। तो यीशु मसीह वो उदाहरण को यहां बता रहे हैं। उसका 15 का 1 में क्या कहे, मैं सच्ची द्राक्षलता हूं, हाँ मेरे पिता कौन है, तो द्राक्षलता कौन है, यीशु मसीह है, पिता कौन है, किसान, फार्मर। देखो यीशु मसीह द्राक्षलता, पिता परमेश्वर क्या है, फार्मर। तो कैसा रहेगा सोच को देखो, प्रोडक्शन कैसा रहेगा, फल कैसा मिलेगा, द बेस्ट। हमारे साइंटिफिक टर्म में बोलने से 100 का 100 गुण मिल जाएगा, 100 का 100 मिलेगा। क्यों? इसलिए इसहाक ने क्या किया, जो देश में जाकर वहां क्या किया, जमीन को लिया, बारिश नहीं हो रहा था उस समय में, कुछ भी नहीं, फल शून्यता वाली स्थिति में उसने क्या किया, खेती बाड़ी करना शुरू किया और 100 गुण मिला। कारण क्या है? हाँ, वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट था, बीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, खेत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, जमीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट। उसको यूहन्ना 15 का 1 मालूम था, अगर परमेश्वर मेरा फार्मर बनेंगे, अगर परमेश्वर मेरा कर्मचारी बनेंगे, तो मैं जो भी चीज लगाऊंगा उसकी सोर्स पर यीशु मसीह बन सकते हैं। हेलो, इसलिए मेरी बोलने का मतलब, कलीसिया का डिपेंडेंस हरदम परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए।
फल पूर्णता आना है, यीशु मसीह के ऊपर आश्रय जरूरी है। हेलो, मेरे साथ में हो? उसके 8वीं वचन में लिखा, देखो मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा ना, मेरे पिता की महिमा कब होती है? जब फल, अगर यीशु मसीह द्राक्षलता है तो फल नहीं मिलेगा। अगर पिता परमेश्वर उस पे उस बगीचे का काम करने वाला है, फल नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो यहां पे जो योहना के सुसमाचार 15वां अध्याय में किसके बारे में बताया गया? इसराइलियों के बारे में बताया गया। तो यीशु मसीह द्राक्षलता क्यों बने? ताकि इसराइलियों में फल आने के लिए। हेलो, अगर यीशु मसीह में हम नहीं हैं तो कैसा फल रहेगा? बोले नहीं, फल आएगा। कैसा फल? उपयोग शून्य फल। देखिए, वो रास्तों में बहुत सारे पेड़ उग के आते हैं, कोई उसका खाता नहीं है, गाय भी उसको खाता नहीं है, कोई कीड़ा उसको खाता नहीं है। देखिए, वो कैसे उग के आता है? ऐसे ही उग के आता है, ऐसे ही फल होता है, ऐसे ही मर जाता है, है ना? क्यों? उसको तुम कितना खेतीबाड़ी करो, उसमें तुम जितना भी विटामिन्स डालो, जितना भी मिनरल्स डालो, कुछ फायदा नहीं उस पेड़ का। क्यों? हाँ, वो काम का नहीं, किसी की फायदा नहीं है, ऐसा ना बोलो। इसलिए यीशु मसीह, मैं द्राक्षलता हूं ताकि तुम काम का ना बनो, काम का बनने के लिए मुझे, मेरी द्राक्षलता में तुम्हें आने की जरूरी है। हेलो, इसलिए इसराइलियों को द्राक्षलता के उदाहरण से परमेश्वर उनको समझाना चाहते हैं कि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, फल की जरूरत है, खुद द्राक्षलता कौन बनना चाहिए? यीशु मसीह बनना चाहिए। इसलिए चर्च में जो कोई भी आते हैं उनको किसे देना है? यीशु, गिव जीसस, यीशु मसीह में उनको स्थापना करो, यीशु मसीह के साथ उनका मिलाओ, फिक्स देम विद जीसस। हेलो, बहुत सारे चर्चेस है यीशु को छोड़कर अन्य चीजों में उनको फिक्स कर देते हैं। लोगों को यीशु चाहिए, यीशु मसीह के साथ वो लोग फिक्स होना जरूरी है। कोई विवाहित हो रहे हैं तो यीशु मसीह के साथ फिक्स होना है, कोई कोई समस्या में है, यीशु मसीह के साथ फिक्स होना जरूरी है, कोई रोगी है, यीशु मसीह के साथ फिक्स होना है, किसी का जो कुछ भी समस्या है उसका फिक्सिंग यीशु मसीह से होना जरूरी है, तो ही पिता परमेश्वर की महिमा हो सकती है। एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह के साथ फिक्स हो सकता है तो डरने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली पवित्र आत्मा की बारिश गिरेगा, वचन की सिंचन गिरेगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को दिलवाना है, गिव जीसस। इसलिए हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों का किताब में एक बड़े व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि एक श्रेष्ठ अधिकारी था। वो क्या करता था? लोगों को सहायता करता था, बहुत लोगों को पैसा सब कुछ देता था, मगर कभी भी वो उधारी नहीं पाया, कभी भी वो यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं। उसका क्या जीवन यीशु मसीह के साथ फिक्स नहीं हुआ। इसके लिए कौन गया? परमेश्वर की दूता गए और उसको क्या किया? डिक्लेरेशन बोल के बोले कि तुझे यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूं। कौन? पत्रस। एड्रेस भी दे के बोले उस एड्रेस में जाओ और वहां के पासवान जी को बुला के लेके आओ। क्यों? फिक्सिंग विथ क्राइस्ट।
इसीलिए उस दिन पात्रोस क्या किए, अपने कलीसिया के किच कुछ सेवकों को भी मिला के, कितने भाइयों को भी साथ लेके उनके घर गए। और उनके इसके पात्रोस के अंदर एक कंफ्यूजन था कि अन्य जातियों के निकट कैसा मैं सुसमाचार लेके जाऊं। इसीलिए वो क्या किया, कलीसिया के किच कुछ सदस्यों को भी साथ लेके गया, ताकि अगर कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम हो, ताकि भाई लोग है ना वो लोग को भी पता चले। बुद्धिपूर्वक लेके गया। मगर उधर क्या हो गया, उधर जाकर ये लोग सुसमाचार घोषणा किए, वो लोग बपतिस्मा पाए, उसी दिन वो लोग पवित्र आत्मा में भी पूर्ण हो गए। क्यों? फिक्सिंग फिक्सिंग फिक्सिंग, यीशु मसीह के साथ वो लोग फिक्सअप हो गए। इसलिए यीशु मसीह के साथ फिक्सअप होने के कारण वो लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार। एक रात के प्रचार में बपतिस्मा ले सकते हैं? एक रात के प्रचार में सब अन्य भाषा से पूर्ण। मुझे अद्भुत लगा होगा ये लोग को, ये लोग कौन सा गाना गाए होंगे। हमारा सब ट्रेंडी ऐसा है ना, गाना गाने से ही लोगों का अन्य भाषा आएगा। आया ना, वो क्या ढोल बजने से ही कितों का अन्य भाषा आएगा, कीबोर्ड की आवाज कान में सुनने से ही कितों का अन्य। अरे वो ऐसा नहीं है। ये कॉर्नेली के घर में जब गया, गाने गाने वाले हैं, हाँ ये लोग तीन लोग हैं गाने गाने वाले पत्रस के साथ। हेलो, मगर क्या हुआ, उसी रात उनका परिवार पूरा बपतिस्मा लिया, पूरी तरीके से वो लोग पवित्र आत्मा में पूर्ण रहे। तो क्या वचन घोषणा उधर किया गया होगा, एक ही वचन घोषणा, यीशु मसीह के साथ दान धर्म तूने किया, स्वर्ग ने देखा, लोगों को तू सहायता किया, परमेश्वर ने देखा, इसलिए तो उसके दूता को उसके निकट भेजे। इसलिए एक चीज, कभी भी परमेश्वर के दूता आकर किसी को सुसमाचार नहीं बोल सकता। नेवर ए एंजल कैन डिक्लेयर द गॉस्पल। सुसमाचार कौन बोल सकता है, तुम और मैं, क्योंकि सुसमाचार मेरा और तुम्हारा अनुभव है। जैसे मेरा सांस, मेरी सांस मेरी है, किसी और की नहीं। मैं जो सांस लेता हूं, ऑक्सीजन लेता हूं, लेने के बाद वो निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई लेता नहीं, कौन लेता है, पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। अब पेड़ को जाके पूछोगे, पेड़ पेड़ तू क्यों कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऑक्सीजन से लेन देन नहीं, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड से लेन देन है, वो मेरे को ऑक्सीजन है। इसीलिए उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, हमें हरा भरा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वो हमारा एक्सपीरियंस है। इसीलिए कलीसिया का एक्सपीरियंस किस में, यीशु मसीह में जुड़ित रहना जरूरी है। वो चीज को परमेश्वर क्या किए, इसराइलियों को बताए, मगर वो लोग समझ नहीं रहे थे। अरे तुम लोग खेती कर रहे हो, तुम लोग आराधना कर रहे हो, मगर तुम्हारा फिक्सिंग किसके साथ है। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे, मैं सच्ची द्राक्षलता हूं, ऐसा है तो झूठी द्राक्षलता है या नहीं। हेलो, 100 रुपए का ओरिजिनल नोट है तो 100 का डुप्लीकेट रहेगा, 1000 रुपए का ओरिजिनल है तो 1000 का डुप्लीकेट रहेगा, 5000 का डुप्लीकेट नोट है क्या। अरे 5000 का ओरिजिनल है ही नहीं तो डुप्लीकेट नहीं रहेगा। अगर सच्चे द्राक्षलता यीशु मसीह है तो झूठे द्राक्षलता कोई है। तो यीशु जब बोल रहे हैं मैं सच्ची द्राक्षलता हूं, ये सुनने वाले लोग कौन है, झूठी द्राक्षलता के साथ फल पूर्ण होने वाले लोग। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, फिक्सिंग बदल रहे हैं, झूठी द्राक्षलता को काट हटा के सच्ची द्राक्षलता के साथ लोगों को, इसराइलियों को मिलाने की कोशिश की है। हेलो, बडिंग 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 सुने हो, यही है प्रॉब्लम, ये सब सुनना जरूरी है। बडिंग
क्या करते, फलदायक, फल ना देने वाले पेड़ को काट कर फल देने वाले पेड़ को लाके लगाना, फिक्सिंग करना। वो चीज यीशु मसीह क्या किए, इसराइलियों में किए, करना शुरू किए। तो मेरे बोलने का मतलब, कलीसिया को खेती का नाम प्रयोग दिया गया, तो खेती में कौन होना चाहिए, परमेश्वर उसका खेती करने वाला, और वहां के पेड़ पौधे कौन होना चाहिए, यीशु मसीह, ठीक है ना। अभी दूसरी वचन, क्या बोलता है, एवरी, दूसरा वचन क्या है, हम डाली, हेलो, मनुष्य कौन है, डाली, फल कहां पे उगता है, डालियों में उगता है या नीचे उगता है, डालियों में ही होता है। तो इसका मतलब परमेश्वर सच्चा द्राक्षलता है, ब्रांच है, हम है, डाली हम है, हमारे अंदर फल आना जरूरी है। अगर यीशु मसीह के साथ हम फिक्स्ड हैं तो डाली नियुक्त रीति से क्या देगा, फल देगा। क्यों, परमेश्वर कौन है, उस खेत को अच्छी तरीके से देखने वाला, तो उपयुक्त समय में खेत में क्या क्या जरूरी है वो सब कुछ देखकर तेरे अंदर फल पूर्णता को लाने की कोशिश करेगा। हेलो, तो हमारा काम बनता है यीशु मसीह के साथ जुड़ित रहना, प्रार्थना में मिलके रहना, अन्य भाषा में मिलके रहना, आराधना में मिलके रहना, सहवास के साथ मिलके देना, लेन देन दे के मिलके रहना, हर आत्मिक चीजों के साथ हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ मिलके रहना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर को छोड़ कुछ है ही नहीं। अगर स्वर्ग के ऊपर जाऊं वहां पे परमेश्वर है, नरक के दलदल के नीचे जाके छुपू वहां पे भी परमेश्वर है, समुद्र की गहराइयों में जाकर छुपू वहां भी। तो ऐसा है तो एक सवाल आएगा, नरक में भी परमेश्वर है, जवाब नहीं दिए। नरक में परमेश्वर है है? नरक में परमेश्वर है, परमेश्वर हर जगह है, मगर परमेश्वर, परमेश्वर की दया करुणा उपलब्ध ना रहने वाली जगह है नरक। नो मर्सी, नो ग्रेस, नो फेवर। मन में बचाने के लिए इच्छा है मगर बचाएंगे नहीं, क्योंकि वहां जाने का कारण क्या है, अपना मन मर्जी। जब तू मेरे साथ फिक्स नहीं हुआ, उसका अर्थ क्या है, मुझे यीशु मसीह जरूरी नहीं है, ठीक है जा। इसलिए यीशु मसीह इसराइलियों को सख्त रीति से बोलते हैं, अरे तुम मेरे साथ के बिना, नकली द्राक्षलता के साथ मिलकर तुम फलपूर्ण बन सकते हो, मगर वो तुझे कहां ले जाएगा, नरक में ले जाएगा, वहां परमेश्वर की महिमा नहीं होती। बाइबल कहती है नरक में क्या होता है, दांतों की, दांत क्या होते हैं, बाइटिंग, भाषा नहीं आएगी, दांत बात करेंगे, मुंह से भाषा नहीं आएगी, आग, कीड़े, वहां का चद्दर है कीड़े। हेलो, वहां के चद्दर कीड़े, आग, क्या होता रहेगा, एक दिन दो दिन नहीं, युगानुयुग। इसलिए यीशु मसीह इसराइलियों को बोल रहे, प्लीज मेरे साथ तुम क्या बनो, मेरे प्लांटेशन में आकर यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ो,
इसीलिए भजन संहिता 80:8-9 में लिखा क्या देखो, भजन संहिता सैम्स 80:8-9, हाँ तूने उसके साथ तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसके बाद उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान थी। एक बार प्रेज़ लॉर्ड बोल सकते हो, यहां पे बताया गया क्या है, इसराइल को परमेश्वर कहां से निकाल के आए, इजिप्ट से निकाल के ले आए। यू अपरूटेड इसराइल फ्रॉम इजिप्ट, मिस्र देश से परमेश्वर उनको क्या किए, अलग करके लेके आए। और कहा, यू ड्रोव आउट द कैनानाइट नेशंस एंड प्लांटेड द वाइन इन केनन, किनान के देश में परमेश्वर उस डाली को लाकर क्या किए, रूट डाल दिए। मेरे साथ में हो, यू हैव क्लियर्ड अवे द ग्राउंड बिफोर इट एंड इट टुक डीप रूट एंड फिल्ड द लैंड। वो क्या किया, उस देश को साफ सुथरा करने के बाद, उस जमीन को अति सरी अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उस खेती को परमेश्वर किनान में क्या कर दिए, स्थापना कर दिए। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ही चीज है, परमेश्वर का खेत में अगर हम उग कर आएंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, उस जगह को साफ सुथरा करने वाले परमेश्वर है और जड़ मजबूत पकड़ सकते हैं, हमारे रूट से कोई भी हमें खींच नहीं सकता। इसीलिए भजन संहिता 1 अध्याय में बोलता है, जो पेड़ क्या बोलते हैं, पानी के निकट उपयुक्त है, उसकी रूट कभी भी कोई खींच नहीं सकता, उसकी एक भी पत्ता हरी भरी नहीं हो सकती, उसके जीवन में कभी भी सुखाव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या, पानी की नमी उसको छू रहा है। पानी की अर्थ क्या है, पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा की शक्ति एक व्यक्ति को अगर छूना का शुरुआत कर लेता है तो कभी भी वो उसका रूट सूखेगा नहीं। अगर रूट सूख गया तो सोच लो पूरा पेड़ सूख गया। इसलिए योहन्ना 15:1 में, मैं सच्ची द्राक्ष लता हूं। द्राक्ष लता किसके साथ लगे रहता है, पेड़ डाली के साथ और नीचे रूट के साथ, रूट पवित्र आत्मा है। हेलो, एक पेड़ कितना बलवान है मालूम करने के लिए नीचे रूट देखने से पता चल गया। द ग्रेटर द रूट द स्ट्रॉन्गर द ट्री। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ फिक्सअप होता है, वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा का पूर्णता प्रतिदिन प्रति समय प्रति मुहूर्त अपने जीवन में अनुभव करना जरूरी है। तुम्हारे घर में 1000 लीटर का टैंक है तो हर दिन फुल रहना जरूरी है। एम्प्टी होगा फुल करो, एम्प्टी होगा फुल करो। अगर एम्प्टी होगा फुल नहीं करोगे क्या होगा, जवाब नहीं दिए। एम्प्टी हो ही नहीं रहा है, फुल हो ही नहीं रहा है, क्या होगा, हाँ गंदगी इन्फेक्शन पूरा उसी पानी के अंदर रहेगा। वो पियोगे पेट दर्द, वो दर्द, ये दर्द, हॉस्पिटल यहां वहां भागना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर इजिप्ट से इसराइलियों को हटा के लेके क्यों आए, किनान में क्यों स्थापना किए, ताकि रूट बना सके, जड़ बना सके। अगर एक पेड़ जड़ बना दिया तो कभी भी कोई उसको उखाड़ नहीं सकता। ऐसा है तो सोच के देखो, परमेश्वर अगर द्राक्षलता है, जड़ मजबूत बन गए, तुम हो पे, तुम डाली हो, तो कोई तुम्हें खींच सकता है क्या, परमेश्वर के सिवाय कोई तुम्हें काट नहीं सकता। वही तो यूहन्ना 15 में लिखा है, अगर फल नहीं होता परमेश्वर क्या करेंगे, डाली को ट्रिमिंग कर देंगे, ट्रिमिंग। इसलिए योहन्ना का सूत्रमाचार 15 अध्याय में उसकी 4वीं वचन में बताया गया क्या है, क्या है, तुम मुझ में बने रहो, रिमेन इन मी। हाँ, आज वही तो प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम यहीं पे बनता है, क्या, रिमेन इन मी, वही सबको प्रॉब्लम। हेलो,
आज सबका प्रॉब्लम यही है, रिमेन नहीं, परमेश्वर में रुकना नहीं चाहते। हेलो, सरवाइव करो परमेश्वर के साथ, जैसी परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ बन के रहो, बने रहो। हम लोग सब ऐसे हो गए कि जरूरत आने पर ही बने रहेंगे, चर्च में आने से अनिवास आएगा, चर्च में आने से हालेलुया प्रेज लॉर्ड आएगा, बाकी टाइम नहीं आएगा। रिमेन रिमेन, हरदम बने रहो। एक एक पेड़ को हरदम क्या चाहिए? पानी, जरूरत है। इसीलिए पेड़ क्या करेगा, पानी पेड़ के निकट आएगा या पेड़ पानी के निकट जाएगा? बोले नहीं, पानी पेड़ के निकट आएगा, पेड़ पानी के निकट आएगा, दोनों कभी नहीं होगा। पेड़ भी कभी पानी के निकट नहीं जा सकता, पानी भी कभी पेड़ के निकट, क्या होगा? रूट 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 क्या करेगा? जहां पानी है वहां वहां की ओर बढ़ेगा। वेयर देयर इज वाटर, पानी की जो स्पर्श गंध, उसके रूट के क्या बोलते हैं, अग्र में आने लगता है तो वहां की ओर भाग जाता है। हेलो, मेरे साथ में हो? इफ यू नीड टू रिमेन, तुझे अगर बने रहना है, नमी को ढूंढ, नमी नमी नमी, हेलो नमी नमी, तेरी दो अन्य भाषा काम नहीं करेगी, दो अन्य भाषा दो दो ढूक के समान है, जस्ट टू ड्रॉप्स, टू ड्रॉप्स क्या काम देगा? दवाई टू ड्रॉप्स काम दे सकता है, पानी टू ड्रॉप्स काम नहीं देगा। इसलिए यीशु मसीह कहा, जो कोई थ्रू प्यासे हैं मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? जल दूंगा, आई विल गिव यू वाटर, लिविंग वाटर, जीवित जल। मेरे साथ में हो? कलीसिया के खेत में परमेश्वर कौन होना चाहिए? फार्मर। पवित्र आत्मा कौन होना चाहिए? पानी पानी, नमी देने वाला। हेलो, ये रिलेशन को हमें हरदम परमेश्वर के साथ बने रहना है, रिमेन इन हिम। काय के लिए? उसकी तीसरी वचन क्या कह रही है? तुम तो उस वचन के जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर हमें क्लीन किए हैं, क्लीन किया हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? क्लीन बनकर रहना है। तुम्हें परमेश्वर पाप से उधारी दिए, इसका अर्थ क्या है? बी परफेक्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन मिला है, सुना गया वचन, वो तुम्हें क्या कर दिया? क्लीन कर दिया, तो स्टे क्लीन। पेड़ पौधों में गंदगी आती है या नहीं? आती है ना, चार बस उधर से निकल गया तो पूरा गंदगी पेड़ पौधे, मगर एक बारिश काफी है उस गंदगी को हटाने के लिए। मेरे साथ में हो या नहीं? एक बारिश, 15 मिनट का एक बारिश काफी। एक सवाल पूछूं, धूल आने लगता है? के ऊपर डाल दिए, अरे उस घर में धूल रहता है इसीलिए धूल आता है। समझे नहीं? उस घर में इंसान रहते हैं, इंसान तो तू जितना
5 करोड़ का बना, 15 करोड़ का बना, 30,000 करोड़ का बना, धूल धूल तेरे घर में आएगा। जितना सिक्योरिटी सिस्टम बना के रख, धूल आएगा कि नहीं? अंबानी के घर में भी आएगा, बिल गेट्स के घर में भी आएगा। क्यों? वो भी धूल है, इसलिए उसके घर में धूल आएगा। धूल नहीं आने के लिए क्या करना? नहीं आने के लिए कुछ नहीं कर सकते। धूल धूल आया हुआ धूल को हमें क्या करना चाहिए? साफ सुथरा करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ सुथरा करता है, पवित्र आत्मा हमें साफ सुथरा करता है, यीशु मसीह के खून के ऊपर हमारा आश्रय में उद्धार मिलता है। हेलो, मेरे साथ में हो? इन तीनों चीजों के साथ रिमेन इन मी, एक वचन के साथ, दूसरा पवित्र आत्मा के साथ, तीसरा यीशु मसीह के लहू के ऊपर आश्रय। आजकल का बेनेडिक्शन भी अलग हो गया लोगों का। बेनेडिक्शन जानते हो? प्रार्थना के आखिरी में बेनेडिक्शन बोलते हैं, वो भी आजकल डिफरेंट बन गया। सुने हो लोग क्या क्या बोलते हैं? यीशु की नाम की जय, यीशु की क्रूस की जय, उसके बाद क्या बोलते हैं? सुने नहीं हो? बेनेडिक्शन बोलते हुए, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहवास हम सबों के साथ हरदम मिले रहे, हम सबों के साथ हरदम साथ में रहे। उसके बाद क्या? यीशु के उसके बाद क्या बोलते हैं? यीशु नाम की जय, सूली की जय, यीशु की खून की जय। नहीं सुने? बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे खून को छोड़कर क्रूस को जय बोलते हैं। क्रूस नहीं जय, खून है जय। यीशु की लहू की जय, यीशु की वचन की जय, यीशु की नाम की जय, ये होना चाहिए बेनेडिक्शन में। हेलो, बने रहो, बने रहो, जितना बन सकते हैं उतना बने रहो। इसलिए परमेश्वर इसराइलियों को बने बोल रहे हैं, मेरे साथ बने रहो तो ही तुम पवित्र आत्मा को पा सकते हो। अगर पवित्र आत्मा को तुम पा सके हो तो परमेश्वर के फार्म हाउस में तुम रुक सकते हो। योर स्टेबिलिटी कैन बी फिक्स्ड इन द प्लांटेशन। अभी इशैया का किताब 5वां अध्याय पहली 2 वचन, आइजया चैप्टर 5 वर्स 1 और 2, देखा ना, यहाँ पे एक द्राक्षलता के बारे में उदाहरण बताया गया है। उसका 5वां अध्याय पहले वचन में, मैं अपने प्रिय के लिए गाना गाऊंगा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए गाना। इसलिए हमारे गाने किसके लिए होने चाहिए? हाँ, यीशु मसीह के लिए होना है। आलतू फालतू गाना गा के डांस मत करो। लेट योर सॉन्ग बी अबाउट जीसस। जिसमें तू बना रहा है उसकी ही गाना गा। इसलिए बाबा ए सॉन्ग फॉर माई बिलव्ड, कौन? यीशु मसीह के लिए एक गाना। क्यों? उसके द्राक्षलता के लिए। हेलो, हमारे चर्च का गाने किसके लिए होनी चाहिए? यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। यीशु मसीह का नामीकरण, यीशु मसीह का श्रेष्ठता को अधिक बोलने वाले गाने हमारे चर्च में जरूरी है। बीच में मैंने एक गाना सुना, वो गाना मैं भूल गया, क्या गा रहे हैं मुझे भी पता नहीं चल रहा है। अरे परमेश्वर की
श्रेष्ठता को वर्णन करने वाली गाने। इसलिए यहां पे गाना किसके लिए गा रहा है? अपने परमेश्वर के लिए गा रहा है। क्यों? ताकि परमेश्वर की द्राक्षलता के द्राक्षा क्षेत्र के बारे में बोलते हुए, वाइनार्ड अपने लोगों के बारे में बताते हुए, उसके बाद उसके बारे में क्या बताया गया? परमेश्वर का एक हाँ पांचवा अध्याय पांच का एक, अब मैंने अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के लिए बारी के विषय में गीत गाऊंगा, एक अति उपजाऊ किले पर मेरे प्रिय प्रिय की एक दाग की बारी थी। कहाँ? ऊंचे जगह पर रखा है, नीचे नहीं। मेरे साथ में हो? नीचे रखने से क्या होगा? कोई भी लूट के ले जा सकता है। इसीलिए इसको कहा कि ऊपरी जगहों में, ऊपरी जगहों में क्यों रखे? ताकि पानी की नमी बहाव ज्यादा आने से पेड़ क्या नहीं होगा, नष्ट ना हो, खेत नष्ट ना हो, ताकि पानी बह के नीचे आ सकता है। इस रीति से परमेश्वर क्या किए? उस खेती को बना के रखे ताकि हमें किनान की किनान तक ले जाने के लिए। हेलो, यहां की हमारी आत्मिकता हमें किनान तक लेके जाना जरूरी है। द स्पिरिचुअलिटी विच यू हैव ऑन द अर्थ शुड लीड यू टिल केनन। हेलो, किनान देश में कितने लोग हैं? बस दो ही जन। नया नियम के हिसाब से किनान में कितने जाना है? सभी को जाना जरूरी है। परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर के साथ फिक्सअप रहो, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को धो लो, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को धो लो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को धो लो, शुद्धिकरण पाओ। बी क्लीन, बी रिमेन इन हिम। परमेश्वर के साथ जुड़े बने रहो, परमेश्वर के आश्रय पूरी तरीके से मजबूत से पकड़े रखो, तो किनान तेरा ही है। यू विल बी फर्टाइल। इसीलिए बाइबल कहता है 1000 साल की परिपालन, याद है? उस जमाने में 100 का 100 पूर्णता मिलेगी। गाय दूध जबरदस्त दूध देते रहेगी। इसीलिए बाइबल कहता है केनान कैसा देश है? ऐसा कोई देश है? हमारा देश कैसा देश है? हमारे देश के गाने सुने नहीं क्या? गंगा बहने वाला देश। क्या जिस देश में गंगा रहता बहता है उस देश में नंगा रहता है, ऐसा कुछ गाना है ना? जिस देश में गंगा बहता है उस देश में नंगे रहते हैं। बाइबल कहती है कनान देश कैसी देश है? दूध और महू की, ऐसा कोई सा देश है क्या? दूध बहेगा। कब दूध बहता है? जब कोई फेंक देता है तब बहता है, हाँ ना? तो उसका अर्थ ये कि परमेश्वर के जो 1000 साल के जो शासन के समय में, नहीं तो मिलेनियम के समय में हम लोग दूध फेंकते रहेंगे, वो नदी बनेगा। महू फेंकते हैंगे रोड में, बहुत सारे ऐसे लोग भी पढ़ाते हैं। कि फेंक देंगे साले सब कुछ, उसका अर्थ क्या है जानते हो ना? आज महू मधुमक्खियां कितनी महू देती है, है? बहुत बोलने से मेरे को आइडिया नहीं होती। आजकल के मधुमक्खियों का घर देखे हो कितना बड़ा होता है? 6 महीने में कितने बड़े होंगे? 6 महीने में कितना बड़ा होगा मधुमक्खी की घर? जितनी बड़ी मधुमक्खी की घर है उतना महू उसके अंदर रहेगा, आया ना? 6 महीने में मधुमक्खी की घर कितने रहेगी? इतना ही रहेगा। 1 साल में इतना, 5 साल में इतना। ऐसा है तो पालना के समय में
मधुमक्खियों का घर कितना बड़ा रहेगा सोच के देखो। आज 6 महीने में इतना है, उन दिनों में 1 घंटे में इतना रहेगा। इसलिए क्या होगा जना, हर जगह में मधुमक्खियों की घर रहेगी, महू निकलने के लिए कोई रहेगा नहीं, उतना अधिक। लास्ट में महू क्या करते रहेंगे जना, पेड़ से बहते रहेंगे, पेड़ों में से डालियों में से बहते रहेंगे, कोई लेने वाला नहीं, उतना अधिक दूध। गायों का दूध निकालने के लिए टाइम नहीं रहेगा, गाय चलते रहेगा ना, दूध बहता रहेगा। तो दूध और महू दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। अगर जमीन में चलेगा तेरे को, तो तू प्यासा है, जमीन को ऐसा निकाल कर अगर खींचेगा ना, तुझे मधु और दूध की टेस्ट मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा वो है दुध महु प्रवाहित देश। इसलिए हम लोग वचन, जो वचन पढ़ रहे थे उससे हम लोग निकल गए। ऐसा ऐसे का किताब 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन, हेलो। सब कुछ प्लांटेशन करने के बाद फ्रूट क्या मिला? वर्थलेस वंस। एक और बार दूसरा वचन पढ़ो। हाँ यस। सब कुछ देने के बाद क्या मिला? यहां पे प्रेज लॉर्ड बोलना है, ये इसराइली लोगों के बारे में बताया गया है। परमेश्वर सब कुछ देने के बाद भी उनके अंदर मिला क्या? वो लोग गाए किसके बारे में? वो लोग फलपूर्णता अनुभव किसके किए? सब कुछ प्रभु का किए, मिला क्या? हेलो, यह है इसराइल की परिस्थिति। आज कलीसियाओं की भी परिस्थिति यही है। इसीलिए यीशु मसीह एक बार क्या किए, एक पेड़ के निकट आए ताकि उसे पेड़ से क्या मिले, मगर उस फल में क्या, उस पेड़ में क्या नहीं था। अगर ऑफ टाइम में आके पेड़ से फल मांगेंगे तो फल देगा पेड़, तब उसका सीजन है ही नहीं था। तो फिर यीशु मसीह क्यों गए? यीशु मसीह पागल थे क्या? जवाब नहीं दिए। ऑफ टाइम में जाकर एक पेड़ को फल पूछोगे तो पेड़ फल देगा। तो यीशु मसीह ऑफ टाइम में गए थे ना, यीशु मसीह ऑफ टाइम में हो या ऑन टाइम में हो, कभी भी जाने से परमेश्वर को आदि अंत भविष्य सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो है उसका अर्थ। अभी के टाइम में कुछ नहीं दे रहा है तो भविष्य में भी कभी नहीं देगा, वही अर्थ है उसका। आया ना, भविष्य जानने वाला व्यक्ति यीशु मसीह है। इसीलिए उस पेड़ का भविष्य उस पेड़ के मालिक को मालूम पड़ गया। इसीलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, हमारे अंदर फल पूर्णता ऑन टाइम ऑफ टाइम रहना अनिवार्य जरूरी है। परमेश्वर ऑन टाइम आएंगे ऑफ टाइम आएंगे नो बॉदरिंग, फल रहना जरूरी है। हेलो, परमेश्वर में बने रहो, फल ऑटोमेटिक आएगा।
वो फल कैसी फल होनी चाहिए? पांच का दो में कैसे फल बताया गया है? वर्थलेस ग्रेप्स पांच का दो में अच्छे के लिए सोचा मगर मिला क्या? हाँ, इसलिए आजकल के कलीसियाओं में क्या ग्रेस ग्रेस थियोलॉजी, परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर है, इसलिए तू जो कुछ भी कर नो प्रॉब्लम, है ना? आजकल के कलीसियाएं ग्रेस 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 ग्रेस, कृपा 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 कृपा। अगर तू कृपा में भी पाप कर गया नो प्रॉब्लम, तू कृपा में ही गिर रहा है। क्या फूलिशनेस बोल रहे हैं यार। परमेश्वर तेरे को कृपा दिए क्यों? ताकि तू और पाप ना करे। परमेश्वर तेरे को खटिया दिए ताकि तू नीचे ना सो। परमेश्वर तेरे को कुर्सी दिए, परमेश्वर तेरे को चप्पल दिए ताकि तू बिन चप्पल ना घूम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेस एक लाइसेंस है तेरे को पाप करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, ग्रेस इज अ लाइसेंस टू सिन। नो, कभी नहीं। और कितने लोग प्रचार करते हैं पुरातन नियम की व्यवस्थाएं हमें जरूरत नहीं है, उसको फाड़ फेंक देना चाहिए। क्या फूलिशनेस बोल रहे हैं। पुरातन नियम की पुस्तक को क्या करना चाहिए? फाड़। क्या फूलिशनेस बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अगर तुम यीशु मसीह में हो तो पुराने नियम के व्यवस्थाएं कुछ है ही नहीं। ऐसा है? ऐसा अगर ऐसा है तो यीशु मसीह की बोलने की जरूरत है ही नहीं। मैं व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं आया मगर व्यवस्था की क्या करने के लिए, पूर्णाई, टू फुलफिल द लॉ। अगर यीशु मसीह एक लो को फुलफिल कर दिए तो हम यीशु मसीह में बने हैं, तो हम भी परमेश्वर की लो को फुलफिल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरातन नियम को फाड़ के फेंक दे। पुरातन नियम, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं पुरातन नियम को प्रचार मत करो। क्या फूलिशनेस बोलते हैं। हेलो, परमेश्वर चाहते हैं तेरे अंदर अच्छे फल आने के लिए। अच्छे फल आने के लिए पूरी बाइबल तेरे को काफी है। 66 बुक्स आर एनफ टू ब्रिंग बेस्ट फ्रूट इनसाइड ऑफ यू। द होली गोस्ट इज एनफ टू ब्रिंग द बेस्ट फ्रूट इनसाइड ऑफ यू। द ब्लड ऑफ जीसस इज एनफ टू ब्रिंग द बेस्ट फ्रूट इनसाइड ऑफ यू। डोंट इंसल्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन का इंसल्ट मत करो, पवित्र आत्मा की इंसल्ट मत करो, परमेश्वर की लहू की इंसल्ट ना करो। और कितने लोग क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी दो मिलेगा, पांच दो 100 मिलेगा। ये क्या कसीनो है क्या? दो देने से पांच मिलेगा, पांच देने से 15 मिलेगा, एक गाड़ी देने से 15। क्या फूलिशनेस। हेलो, इट्स अटर फूलिशनेस। अरे तेरे को परमेश्वर व्यवस्था इसीलिए दिए ताकि तू यीशु मसीह के ऊपर आश्रयवान हो सके। जो चीज तू अपने शक्ति सामर्थ्य से नहीं कर पा रहा, उसी चीज को परमेश्वर में बने रहकर परमेश्वर खुद तेरे से उस चीज को पूर्णता देने वाली एक अनुभव, वही तेरे को फल पूर्णता में ला सकता है। If you can't remain in Christ, if you can't remain in the Holy Ghost, if you can't remain in His blood, you can't be effective a fruit. तुम कभी भी इफेक्टिव नहीं बन सकते। हेलो, मेरे साथ में हो? जैसे परमेश्वर की वचन बहुत बोलती है उस हिसाब से फ्रूट बनाओ। लेट देयर बी फ्रूट। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हर जाति के अनुसार हर पेड़ पौधे को फ्रूट दिया।
एक पेड़ कौन सा पेड़ है कैसे मालूम पड़ेगा? है? उसके हाँ, प्लांटेशन देखने से नहीं, प्लांटेशन देखने से बोर्ड लिखना पड़ेगा। हाँ, आजकल सब कलीसिया बोर्ड के ऊपर आश्रय है, बोर्ड। लोग बोर्ड से परमेश्वर नहीं देख चाहते थे, परमेश्वर फल फल देखकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, ही एक्सपेक्ट्स द बेस्ट फ्रूट इन अस। बेस्ट फ्रूट, उसकी सातवीं वचन क्या बताया देखो। यहूदा यस, हेलो, जहां न्याय करना था वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं? अन्याय। न्याय और अन्याय के बीच में अंतर क्या है? है? हाँ, डायरेक्ट ऑपोजिट बोल के छोड़ तोड़ दिए। बाइबल के हिसाब से न्याय देने वाला कौन है? हाँ, तो अन्याय देने वाला कौन है? अगर तू परमेश्वर को छोड़ के कुछ भी कर रहा है, अन्याय है। इसलिए बाइबल क्या कहता है, मत लिखित सुसमाचार 7:1, किसी की भी न क्या मत करो, जज मत करो। क्यों? वो सीट परमेश्वर का है। हो या ना मेरे साथ में हो? डोंट जज एनीवन बिकॉज यू विल बी जज्ड। किसी की क्या मत करो, न्याय ना करो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर क्या करेंगे, न्याय करेंगे। अरे, जो चीज परमेश्वर करना चाहिए वो चीज भी कलीसिया कर ले रही है। जस्टिस किसका काम है? हाँ, वो काम हम क्यों करें? वो इनजस्टिस बनता है। उसके बाद क्या क्या है? हाँ, 5:7, हेलो, न्याय के बदले अन्याय, न्याय के बदले अन्याय, जस्टिस के बदले में क्या मिला? अन्याय। अन्याय का मतलब खून खराब, व्यवस्था के विरुद्ध, माने लोगों का खून करना, परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध जाना। उसके बाद क्या कहा है? वो धार्मिकता के लिए ढूंढा मगर मिला क्या? क्या सुनाई पड़ी? चिल्लाहट। अरे, परमेश्वर तेरे को खड़ा करने के लिए चाहते हैं। तू है जो रो रो कर गिड़गिड़ा कर दिखा रहा है। हेलो, इसीलिए ना दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, कहाँ? हाँ, एक व्यक्ति क्या कर रहा था? वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, लिस्ट बता रहा था। हाँ, अपना लिस्ट बन रहा था, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसके जैसा नहीं, इसका जैसा। ओके, वेरी गुड। दूसरा व्यक्ति ने क्या किया? हाँ हाँ सर भी ना उठाकर अपने छाती को पीट कर, जितना परमेश्वर के ऊपर आश्रय कर सकता था उतना वो परमेश्वर के ऊपर आश्रय करना शुरू किया, परमेश्वर की न्याय भी मांगना शुरू किया, परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करना, वसूलने की कोशिश किया। इस पर परमेश्वर ने किसकी सुनी? क्यों?
तो इसका अर्थ है जीवन सारा ऐसे ही प्रार्थना करो। उसका अर्थ तू जीवन सारा वही प्रार्थना करेगा? नहीं, उसका अर्थ इतना ही है कि तेरी शुरुआती दौर में उस व्यक्ति के समान प्रार्थना होना चाहिए। उसके नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होना चाहिए? उस धनी व्यक्ति जैसा प्रार्थना किया, उसे हमें प्रार्थना करने की ही अनुभव होनी जरूरी है। धनी व्यक्ति कैसा प्रार्थना कर रहा है? वो परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान नहीं था। मगर जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान है, वो अपने लेन देन के बारे में परमेश्वर को नहीं बोल सकता, अपने उपवास के बारे में परमेश्वर को नहीं बोल सकता। बोलने के बाद पूछना है, परमेश्वर ये सब कुछ मैं करने पर भी क्यों मेरे जीवन में आशीष को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं? क्यों मेरे जीवन में क्या मेरी तेरी कृपा को अनुभव नहीं कर रहा हूं? नहीं तो क्यों तेरा फेवर मेरे जीवन में नहीं आ रहा है? व्हाट इज रॉन्ग इनसाइड ऑफ मी? मेरे अंदर क्या गलती है, मुझे दिखाओ। वो प्रार्थना होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब कर रहा हूं तू देख, ऐसा मत प्रार्थना। वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था, ये सब तू देख परमेश्वर। हमारा प्रार्थना दिखाने के लिए नहीं, बदले हमारे अंदर क्या बदलावट मैं ला सकता हूं। आई वांट फ्रूट। मैं परमेश्वर में बना हूं, मैं परमेश्वर में लगा हूं। परमेश्वर एक अच्छे द्राक्षलता के समान है, परमेश्वर के खेत में मैं हूं। मेरे अंदर क्या कमी है जहां मैं रेक्टिफिकेशन चाहता हूं? रिवील इट टू मी। आई एम रेडी। मैं फास्टिंग करता हूं, मैं परमेश्वर को भेंट देता हूं, मैं कलीसिया को सब सहे, मैं सुसमाचार बोल सब कुछ करूं, बट वाई 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 डू आई फाइंड अ डिफेक्ट इन साइड ऑफ मी? जस्ट रिवील इट टू मी। हेलो, उस चीज को हमें परमेश्वर के निकट पर बोलने की जरूरत है, तो ही हमारा डिफेक्ट क्या है हमें पता चलेगा। हेलो, मैं परमेश्वर के वचन से मैं बंद करना चाहता हूं, इसलिए मेरे बोलने का मतलब चर्च में क्या करना चाहिए? सब कुछ चर्च की जो जो जरूरी है, सब कुछ खेती बाड़ी सब कुछ करना, मगर डिफेक्ट्स अगर आते हैं ट्राई टू रेक्टिफाई इट। वही है मन परिवर्तन, रिपेंटेंस। हेलो, मन फिराव। मन फिराव एक दिन की प्रोसेस नहीं है, एवरी डे एवरी सेकेंड एवरी मिनट मन फिराव, मन बदलाव, चेंज योरसेल्फ। अगर वचन बोलता है जस्ट चेंज ऑन। ये बीच में मैंने हमारे घर के फैमिली प्रेयर में बैठते वक्त एक वचन परमेश्वर मुझे बहुत टच किया। प्रोवर्ब्स में है वो वचन। वो वचन ऐसा कुछ है कि डर्टी जोक्स भी मत प्ले करो, डोंट इवन प्ले डर्टी जोक्स। हम लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल, अरे मेरा गाड़ी चोरी हो गया। चोरी नहीं हुआ होगा, बस ऐसे मजाक में बोलते। वो भी नहीं बोलना चाहिए। मैं शॉक हो गया, वाह। उस दिन पवित्र आत्मा मुझे याद किलाए थे, उस दिन से मैंने बंद कर दिया ये जोक्स बोलना, बंद कर दिया। क्यों? वो जोक बोलने पर भी क्या हो सकता है? हमारे अंदर की फल नष्ट हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के सानिध्य में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझ में बने रहने के लिए, मेरे अंदर फल पूर्णता आने के लिए परमेश्वर के निकट समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर तेरे सन्निधि में एक बार मिलकर आते हैं। तेरे वचनों से हम लोग कलीसिया के बारे में सीखा है परमेश्वर। कलीसिया के नामीकरण के हिसाब से परमेश्वर तेरी फार्मिंग के बारे में हमने सीखा है। परमेश्वर तेरे अंदर बने रहें और फल पूर्णता लाने के लिए हमें सहायता दीजिए। हमारी कमियाँ कटियों को परमेश्वर हमें याद दिलवाइए,
और अधिक अधिक परमेश्वर तेरी वचनों से जानकारी पाने के लिए और अपने जीवन की शुद्धिकाई में चलने के लिए मैं सहायता दिलवाजिए बोलकर प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक रीति सीमा उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनको भी आशीष कीजिए वचनों के हिसाब से और अधिक अधिक ज्ञान से हमें पूर्ण कीजिए परमेश्वर। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।